हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम लोग घर में ट्राई करने वाले हैं डोनट्स। और इस पे ज़्यादा डिटेल के लिए, रेसिपी की डिटेल्स के लिए चलते हैं मैडम के पास। सबसे पहले डोनट्स का आटा हम लोगों ने लगाया है। अब हम आटा डोनट्स बना रहे हैं। इसमें मैंने लिया है कम से कम दो बोल्स, ये वाले दो बोल्स आटे के लिए हैं। और उसको वैसे ही फर्मेंट करने के लिए हमने गुनगुने दूध में ईस्ट डाला है, शुगर डाला है। जब वो 10 मिनट्स रखा, एक्टिवेट हो गया, फिर आटे में मिला के, आटे में भी थोड़ा शुगर और सॉल्ट दोनों डाला है मैंने। और फिर इसके अंदर एक एग डाला है, और आपको जो भी एसेंस यूज़ करना है, मैंने बटर स्कॉच डाल के वो किया है इसको इस बार। और उसके बाद इसको एक एग डाला है, जैसे मैंने बताया, थोड़ा घी डाला है मैंने इसमें, और फिर इसको अच्छे से गूंदना है। और मैंने फर्मेंट करने के लिए माइक्रोवेव में ही इसको समझो फर्मेंट किया है। इसको माइक्रोवेव में 60 सेकेंड के लिए चला दिया, और माइक्रोवेव 1 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ दिया बंद करके। तो ये अच्छे से अब फर्मेंट हो चुका है। देखिए कितना अच्छे से हो गया, सॉफ्ट हो गया। हाँ, जो ये 4-5 घंटे में होता है माइक्रोवेव में, 60 सेकेंड्स में हो गया। आगे क्या होना, ये क्या रखा है? ये उसकी क्रीम बनाएंगे। जो वो शुगर और वो बटर है, वो शुगर है, बटर है। इसमें मैंने वनीला एसेंस निकाला है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, और वो कोको फ्लेवर। ये स्ट्रॉबेरी है और ये वनीला है, वो कोको वाला। वो उसकी क्रीम जो हम ऊपर लगाएंगे ना, और ये पाउडर्ड शुगर है। ओके, करना है बड़ा सा, उसको बेल लो, फिर इसको ऐसे कट करके, ये शेप देनी होती है डोनट की, फिर ऐसे करके इसमें रख, फिर इसको रख के हम फिर माइक्रोवेव में ऐसे ही 30, अब के बार क्या करेंगे, 30 सेकेंड करके उसको थोड़ा गर्म करके, फिर इसको अंदर रख देंगे हाफ एन आवर के लिए। ये ऐसे शेप्स बना के रख लिया, और मैंने ऐसे प्लेट्स में लगा लिए, क्योंकि अभी इनको फूलने के लिए थोड़ा और टाइम देना। और अब क्या करते हैं, माइक्रोवेव को ना हम ऐसे 2 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब ये स्टॉक हो जाएगा, इसके अंदर मैंने ये ऐसे लेयर करके रख दिए प्लेट्स, इसको एज इट इज रख देंगे, एज इट इज। ठीक है, जो डोनट के ऊपर क्रीम लगेगी उसकी तैयारी करते हैं। इसमें मैंने कुछ नहीं, पाउडर शुगर लिया, थोड़ा सा बटर लिया है, और मिल्क। अभी पहले इसको सारा साइज कर, थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के करना है, ताकि कंसिस्टेंसी जो चाहिए वो बन जाए। ऐसा ना हो ज़्यादा मिल्क वो डाल दें, क्योंकि ये शुगर है, एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं होता। डोनट्स क्रीम जो है बन के तैयार हो चुकी है, इसकी बस कंसिस्टेंसी का ध्यान रखें, ना तो ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा हार्ड। बस हम जो शुगर और बटर ही है, 1 टीस्पून 2 टीस्पून अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, मेरे इसमें शायद 3 या 4 ही है। okay. और जिसमें बिग वाली कटोरी, ये 2 है पाउडर्ड शुगर। 3 बोल्स में डिवाइड कर रही हूँ। एक में मैं डाल रही हूँ, ये क्या है? ये था मेरा स्ट्रॉबेरी एसेंस। ये स्ट्रॉबेरी एसेंस, और ये ब्लैक वाला? ये है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस। ये है कोको पाउडर विद चॉकलेट एसेंस। ये कोको पाउडर वही है जो ओटी में देखा था हमने? हाँ, चॉकलेट में जो गिरता है, उसने बताया था ना, कॉफी बनाने में यूज होता है इसको। बस जो जिस फ्लेवर में चाहिए, अगर आपको कलर चाहिए, जैसे मेरे स्ट्रॉबेरी में अभी कलर नहीं है, पिंक कलर अगर चाहिए तो आप कलर ऐड कर सकते हैं, जो फूड कलर लिक्विड आते हैं ना, लिक्विड कलर ही यूज़ करना चाहिए ये इन सब चीज़ों में, वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो बीयर 10 पे फिक्स कर दिया, और अब इसे रख देते हैं बेक करने के लिए। और ये अपनी डोनट्स बन के तैयार हो चुके हैं, तो खा के ट्राई करके देख लो। ये अलग अलग वैरायटीज़ है क्रीम की जो इन पर लगाई जा रही है, इनके ऊपर से। तो बेसिकली ये माजू की फेवरेट डिश है, इसलिए ये बनाई घर में, माजू खाता है, इसे अच्छा लगता है उसे। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो जो रेसिपी हमने आपके साथ में शेयर करी है। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, वी विल रिप्लाई ऑन दैट।
ये डेकोरेट करने के लिए होते हैं मीठे दाने। सॉफ्ट है सबसे बड़ी बात की आटे वाले। एक चीज और है, जैसे हम आटे की कोई भी चीज बनाते हैं ना, इन कंपैरिजन टू मैदा वो उतना नहीं फूलता, इसलिए कि इतने नहीं फूले। मैदा बहुत ज्यादा फूलता है, जस्ट डबल वाला हिसाब होता है मैदे का। इसका ये भी है ना, आटे का डाइजेस्टिव होता है, नुकसान भी होता है, इसीलिए थोड़ा बच्चे के उसमें तो और थोड़ा हेल्दी ही बना है। बच्चों को ज्यादा पसंद आते ही आटे पर हेल्दी है, इसमें हमने देसी घी रखी है। सो गाइस, ये थी डोनट्स की रेसिपी जो हमने आपके साथ में शेयर करी, आप लोग भी घर पे ट्राई कर सकते हो उसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।